महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम ने सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री की नार्को टेस्ट की मांग की है। उन्होंने कहा है, अगर दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं तो उन्हें नार्को टेस्ट के लिए जाना चाहिए। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कदम ने कहा, अगर वे सच बोल रहे हैं तो उन्हें नार्को टेस्ट के लिए जाना चाहिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यहां तक कि सीता जी को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को क्यों नार्को टेस्ट के लिए जाने में संकोच हो रहा है, भाजपा विधायक ने पूछा। परमबीर सिंह ने चिट्ठी अपने ट्रांसफर के बाद लिखी थी, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इस पत्र के पीछे उनका मकसद क्या था, उन पर क्या राजनीतिक दबाव था। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के प्रमुख शरद पवार से पूछा था कि क्या उन्हें राज्य के गृह मंत्री द्वारा धमकी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह के आरोपों पर अपना बयान बदल दिया। एक ट्वीट में भाजपा विधायक ने कहा, कल दोपहर शरद पवार ने अनिल देशमुख के बारे में कहा कि उन पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं, CM इस पर फैसला करेंगे। लेकिन कुछ घंटों बाद शरद पवार देशमुख के बचाव में आए। उन्होंने कहा, पूरा देश यह जानने की कोशिश कर रहा है कि दोपहर से रात तक क्या हुआ कि शरद पवार को स्टैंड बदलना पड़ा। क्या इस दौरान अनिल देशमुख ने धमकी दी कि NCP के बड़े चेहरे भी इस उगाही में शामिल हैं, यानी वे लोग जिन्हें उगाही हिस्सा मिला वह उनके नाम भी सार्वजनिक करेगा। कदम ने आगे पूछा, क्या यही कारण है कि शरद पवार को रात में कहना पड़ा कि वह देशमुख के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। देशमुख के इस्तीफे की भाजपा की मांग के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा था, यदि आप पूर्व आयुक्त के पत्र को देखते हैं तो वे उल्लेख करते हैं कि फरवरी के मध्य में उन्हें कुछ अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था कि उन्हें गृह मंत्री से ऐसे निर्देश मिले हैं। हालांकि 16 फरवरी को देशमुख को कोरोना वायरस के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पवार ने कहा था, यह स्पष्ट है कि जिस अवधि के दौरान आरोप लगाए गए अनिल देशमुख अस्पताल में भर्ती थे। सीधी बात कल भी कही थी कि सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। ये दूसरी बात, जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती, ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, बिकॉज यस्टरडे आई मायसेल्फ सेड इट लुक्स लाइक ए सीरियस थिंग, बट व्हेन आई सॉ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आई सॉ ऑल द इशू के प्रोग्राम, एंड आई एम कन्विंस्ड कि दिस पर्टिकुलर फील्ड ही वाज इन नागपुर, सो क्वेश्चन डजन अराइज। सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो पीरियड अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।